अगर मैं थोड़ा लीन होके बैठना चाहूँ, अभी भी इसमें हेलोजन इंडिकेटर्स आते हैं, मिरर में वाइब्रेशन है, इसमें रॉयल एनफील्ड ने यूएसडी फोक्स दिए हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो क्या हाल चाल है सबके, होप करता हूँ सभी लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। सो इसी सिलसिले को बनाए रखते हैं। और ये देखो, आज है हमारे पास ये रॉयल एनफील्ड हंटर 350। हालांकि इसमें थोड़ा सा काम हो रखा है, ये पहले कुछ ऐसी दिखती थी और अभी ये कुछ ऐसी दिखती है। चलिए थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो बेसिक स्पेसिफिकेशंस और पावर फिगर्स की बात करें तो करीब करीब 21 bhp की पावर है इसमें, विद 27 Nm ऑफ टॉर्क जनरेशन। तो अच्छी खासी पावर है। 350cc इंजन, 21 bhp की पावर, 27 Nm का टॉर्क, और क्या चाहिए, और क्या लोगे। अच्छी खासी पावर मिल रही है, भगाने में बढ़िया है। और लुक वाइज तो देख ही सकते हो, कॉम्पैक्ट कैफे रेसर, प्रॉपर कॉम्पैक्ट कैफे रेसर लुक दिया गया है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो देख सकते हो एक डिजिटल एनालॉग मीटर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। ऑन करके देखते हैं, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको मीटर में। यहाँ आपका फ्यूल गेज इंडिकेटर मिल रहा है, आपको स्पीड गियर इंडिकेटर भी मिल रहा है साथ के साथ। फ्रंट से अगर देखो तो कुछ ये लुक मिलेगा सामने से। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो कुछ ये साइड प्रोफाइल मिलेगी। वहीं अगर बैक लुक की बात करें तो पीछे से कुछ ये व्यू मिलेगा। इस वाली साइड की बात करें तो देख सकते हो ये साइड प्रोफाइल मिलेगी आपको। आगे चलते हैं टायर्स की ओर। अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं विद बाइब्रे की ब्रेकिंग। डिस्क का साइज़ देखो यार, अच्छा खासा डिस्क का साइज़ है। साइज़ की बात करें तो करीब करीब 130 सेक्शन का टायर मिलेगा आगे, सीएट का। ये स्टॉक टायर है जो कंपनी लगा के देती है। पीछे अगर बात करें तो पीछे भी आपको सीएट का ही टायर मिलेगा, लेकिन ये टायर वाला आगे से थोड़ा बड़ा होगा, ये 140 सेक्शन का टायर है। वहीं अगर बैक लाइट की बात करो तो कुछ ऐसी सी मिलेगी। बाइब्रे की पूरी पूरी ब्रेकिंग मिलेगी विद ABS, कंप्लीट ABS है। और सॉकर्स की बात करें तो USD फोक्स मिलेंगे, नहीं टेलीस्कोपिक नहीं है, इसमें रॉयल एनफील्ड ने USD फोक्स दिए हैं। वहीं अगर एग्जॉस्ट देखो तो एक प्यारा सा गन कह सकते हो, या फिर एक ब्यूटीफुल एग्जॉस्ट दे रखा है। एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, काफ़ी प्यारा एग्जॉस्ट नोट है इसका। हाँ न्यूट्रल है। अब एग्जॉस्ट नोट सुनो गाइस, ये देखो सिंगल बैरल एग्जॉस्ट है और इतना प्यारी साउंड करती है। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख सकते हो बाइक में काफ़ी सारा काम हो रखा है, तो मैं बताता हूँ क्या क्या हो रखा है, आगे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यार देखो, इसमें माइनस लाइट लगी हुई है, ठीक है। आफ्टर मार्केट इसमें लेग गार्ड लगे हुए हैं और बार एंड मिरर्स लगे हुए हैं। कंपनी से ये स्टॉक नहीं आते, कंपनी से यहाँ पे मिरर्स लगे होते हैं जो ऐसे करके निकले होते हैं। तो बार एंड मिरर्स लगे हैं और इसमें लाइट्स में स्मोक रैप हो रखा है। बाइक पूरी कंप्लीट रैप हो रखी है, क्या शायद से ये ओनली वन इन इंडिया है अभी तक फ़िलहाल, शायद से। देखो मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता, कमेंट करके बताओ कि क्या ये इकलौती है या नहीं है। टायर्स में देख सकते हो, दोनों टायर्स में स्टिकरिंग हो रखी है रिम पे। और उसी में आगे बढ़े तो यहाँ पे शू प्रोटेक्टर दे रखा है। और एक चीज़ और हुई है, मैं बताता हूँ, हॉर्न सुनना गाइस। तो हॉर्न इसमें आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। साथ ही साथ एक चीज़ रह गई, माइनस हेडलाइट के साथ साथ
HJJ की प्रीमियम लाइट्स लगी हुई हैं इसमें। और थोड़ा सा और पीछे बढ़ें तो यहाँ पे भी स्मोक रैप हो रखा है, तो कुछ ये इन्हेंस हो के लुक आता है। अगेन मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये सारा काम MS रैप में हुआ है, वहीं 12 वंग के MS रैप, ऑल थैंक्स टू कामिल भाई। तो ये गाड़ी का पूरा पूरा मॉडिफिकेशन वहीं पे हुआ है। HJJ जो आगे लगी थी उसका स्विच ये दिया हुआ है, मैं जला के भी दिखाता हूँ, देख सकते हो सामने से कुछ ये लुक आता है पूरा पूरा बाइक का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ इसके फ़ायदे के बारे में। मेन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, कॉम्पैक्ट है, इजी टू हैंडल, पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, एक मिड रेंज की वेट में कह सकते हो। सीट हाइट इसकी देख लो, सीट हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, बैठ के भी दिखाता हूँ, मेरी हाइट लगभग वही 5-6, 5-7 है, और ये देखो मेरे दोनों पैर पूरे पूरे पहुँच रहे हैं नीचे। और कुछ ये पोस्चर मिलेगा, ये कुछ आपको कॉकपिट व्यू मिलेगा अपने सामने जब भी आप राइड पे निकलेंगे। हालांकि जब भी राइड पे निकलो तो कोशिश करो कि प्रॉपर गियर्स में निकलो, एटलीस्ट शूज़ तो पहनो ही, ग्लव्स भी ट्राई करो पहनो, और बहुत अच्छी बात है अगर जैकेट भी पहनो। तो कुछ ये पोस्चर रहेगा आपका, पोस्चर स्ट्रेट भी रख सकते हो, आप थोड़ा पीछे होके बैठो तो और कंफर्टेबली बैठ सकते हो। लॉन्ग राइड्स पे अगर आप जाते हो तो पूरा पूरा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा खासा आप जा सकते हो। हाँ, कुछ एक दो चीज़ें और रॉयल एनफील्ड इन्हेंस कर सकता था इसकी, जैसे कि जो स्टॉक हॉर्न आता है इसका, वो चीज़ें इन्हेंस कर सकता था। लाइट थोड़ी सी LED के साथ देनी चाहिए रॉयल एनफील्ड को, अभी भी इसमें हैलोजन इंडिकेटर्स आते हैं, जबकि मैक्सिमम बाइक्स में देखोगे LED इंडिकेटर्स आ रहे हैं आजकल, वो यहीं आगे नहीं पीछे भी पूरे हैलोजन बल्ब लगे हुए हैं, आगे भी हैलोजन बल्ब लग के ही आता है वही येलो लाइट वाला, जबकि कंपनीज़ शिफ्ट कर रही हैं LED की तरफ। समगार्ड, अच्छा हाँ एक चीज़ रह गई थी इसमें, नीचे समगार्ड भी लगवाया है गया है। और तो और बात की जाए तो थोड़ी सी मिरर में वाइब्रेशन है, जो स्टॉक मिरर्स आते हैं लग के उसमें भी चेंज करवाए गए, थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस इसमें भी हैं। हालांकि अगर व्यू की बात करें तो व्यू में कोई कमी नहीं है। ऑल इन ऑल अगर गाड़ी की बात की जाए तो एक पावर पैक्ड व्हीकल है, कॉम्पैक्ट, इजी टू राइड, इजी टू हैंडल, कोई भी बहुत आराम से चला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बटन्स क्वालिटी की बात करें तो बटन्स क्वालिटी भी रॉयल एनफील्ड बहुत अच्छे देता है, ये तो खैर रॉयल एनफील्ड की पुरानी बात है। सो फार सो गुड, इट्स अ ब्रिलियंट मशीन, एंड यस एनीवन कैन गुड टू गो, कोई भी ले सकता है अगर लेना चाहे तो, अच्छी मशीन है। मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक बहुत प्यारी मशीन है ये। तो कुछ इस प्रकार था हंटर का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, या कह सकते हो एक हंटर का रिव्यू। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, लेकिन उससे पहले चलते हैं इसको एक छोटे से रन पे लेके, चला के देखते हैं कैसा कुछ परफॉर्मेंस देती है गाड़ी, कैसा कुछ फीलिंग आती है चलाने में, या कैसा लगता है। सो लेट्स गो। तो भाई अगर बात की जाए राइडिंग की तो नो डाउट हंटर चलाने में बहुत कंफर्टेबल है, हालांकि पावर टू वेट रेशियो भी बहुत अच्छा है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा एक साइड को हैवी नहीं फील हो रही है, ना ही आगे को ना ही पीछे को, सेंटर ऑफ मास बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है गाड़ी का। और अगर मैं पोस्चर की बात करूं तो देखो पोस्चर मैं जैसे चाहूं वैसे बैठ सकता हूं, ठीक है, जैसे ऐसे समझ लो कि अगर मैं थोड़ा लीन होकर बैठना चाहूं तो ये देखो मैं लीन, मैं ऐसे दिखा नहीं सकता, लीन होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं स्ट्रेट बैठना चाहूं तो स्ट्रेट बैठ सकता हूं। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अच्छी खासी लॉन्ग राइड करनी है, लाइक इससे अगर टूरिंग करनी है तो टूरिंग करने के लिए परफेक्ट चॉइस है ये, सच में बहुत ही कंफर्टेबल पोस्चर है और अच्छी खासी पावर भी है, और क्रूज़ करना हो तो भाई साहब बहुत कंफर्टेबल है, प्यारा सच में। वहीं अगर बात की जाए इसके साइड व्यू मिरर्स की तो साइड व्यू मिरर से भी अच्छा खासा पीछे का व्यू मिल रहा है,
हालांकि थोड़ी बहुत वाइब्रेशन है, लेकिन सो फार सो गुड। साइड व्यू मिरर्स बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं एक व्यू। ये यानी ये जो मिरर लगे हुए हैं इसमें बार एंड मिरर्स, ये स्टॉक नहीं आते हैं, स्टॉक में आपको यहाँ पे मिरर्स लगे हुए मिलते हैं, ये आफ्टर मार्केट इसमें लगवाए गए हैं। तब भी हालांकि वाइब्रेशन थोड़ी सी कम तो हुई है, और व्यू में खैर कोई कमी नहीं आई है, व्यू तो अच्छा खासा भी प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों ही मिरर्स। देख रहे हो कितनी प्यारी साउंड कर रही है, लाइक एज ऑलवेज स्टैंड लगाते ही बंद हो जाती है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, स्टैंड लगाते ही बंद हो जाए। तो कुछ ये रहा राइडिंग का एक्सपीरियंस। पावर टू वेट रेशियो बहुत बेहतरीन है, इजी टू हैंडल है यार, बहुत इजीली आप ट्रैफिक में इजीली इधर से उधर ग्लाइड कर सकते हो, बहुत आराम से कटिंग कर सकते हो, और ज़्यादा वेट भी नहीं फील होने देती है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ ब्रिलियंट मशीन। तो कुछ इस प्रकार रहा हंटर का पूरा रिव्यू। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ कहना चाहो तो कमेंट कर देना। हाँ, एक चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ये रैप कैसा लगा और क्या ये इकलौता है या नहीं है। तो किसी को सजेस्ट करना चाहो तो आगे शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक प्यारी सी नई मशीन के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड राइड सेफ। बाय बाय गाइस।